हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीवन की अनुभूति, तनाव और खुशी। जय श्री कृष्णा। मैं उज्जैन से डॉक्टर रुचिका खंडेलवाल इस तनाव शब्द को एक सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन में दो अनुभूति होती है, खुशी और तनाव। इन दोनों का अनुभव हर व्यक्ति करता है। ये दोनों ही क्षणिक अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कोई परीक्षा का रिजल्ट आया या आपने कोई कॉम्पिटिशन जीती तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, पर वह खुशी एक निश्चित समय तक अनुभव होती है। खुशी मिलते ही हम जो तुरंत रिएक्ट करते हैं वो कुछ समय बाद नहीं कर सकते। एक पल के लिए जो आनंद की अनुभूति होती है वो अगले पल वैसी ही नहीं होती। सामान्य जीवन में खुशी की अनुभूति कुछ पल होती है, उसी प्रकार तनाव की अनुभूति भी कुछ पल होती है। इसे तनाव कहा ही इसलिए है कि हम इसे जितना खींचेंगे, जितनी ज्यादा देर तक इसका अनुभव करेंगे, यह हमें उतना परेशान करेगा, क्योंकि तनाव की समय सीमा व्यक्ति की मानसिक क्षमता और विचार पर निर्भर करती है। हमने अपने जीवन में हर व्यक्ति को तनाव में देखा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन तनाव की अनुभूति की क्षमता और सोचने का नजरिया तय करता है कि तनाव कितना है। एक छोटा सा सामान्य सा एग्जाम्पल देती हूँ कि दो सहेलियां खड़ी है, एक सहेली आती है, एक सहेली की साड़ी की वो तारीफ करती है कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वो खुश हो जाती है। और दूसरी सहेली को कहती है कि तुम्हारी साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो परेशान होती है, तनाव में आ जाती है और कितनी देर तक रिएक्ट करती है। लेकिन यदि दूसरी सहेली की सोच पर निर्भर करेगा, यदि दूसरी सहेली ये कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चलो छोड़ें हम दूसरी बात करते हैं, और उसे सामान्य तरीके से लेती है, तो उसे तनाव की अनुभूति नहीं होगी। इसे सामान्य रूप से देखा जाए तो यही तनाव है। मनोविज्ञान की नज़र में यह एक मानसिक विकार है, और इसे जितना अधिक अनुभव करेंगे ये उतना ही शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान करेगा। हमें तनाव और खुशी को एक सिक्के के दो पहलू की तरह मानना चाहिए। जीवन में जिस तरह खुशी को हम चाहकर भी लंबे समय तक अनुभव नहीं कर सकते, उसी प्रकार तनाव को भी लंबे समय तक अनुभव ना करें। यदि कोई समस्या आई है तो हल ढूंढें। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी संतुलित रहता है, और कोई व्यक्ति छोटी सी समस्या में भी तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव की स्थिति में आप उन पलों को याद करें, उन खुशी के लम्हों को अपने दिमाग की स्क्रीन पर लाएं जिनने आपको खुशी दी, वो आपको तनाव से हल्का महसूस कराएंगे। अरे, तनाव और दर्द ही तो आविष्कार की जननी है। इनोवेशन तनाव और अभाव में ही होते हैं। इसे सकारात्मक तरीके से लें, तनाव को भी इंजॉय करें, क्योंकि यदि आप याद करोगे कभी पुराने दिन को तो आपको सबसे पहले वो दिन याद आएंगे जो आपने अभाव में बिताए या तनाव में बिताए। अभाव में तनाव जन्म लेता है, पर उसे अपने मन पर हावी ना होने दें। वो तो उस अंधेरे की तरह है जिसकी वजह से उजाले का महत्व है। हर अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो खुशी देता है, यही तनाव की कहानी है। इसलिए बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय पीस और हैप्पीनेस को मैनेज करें। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा जैसा भी आए उसे जिए। ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी लाइफ। थैंक यू।